हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको डेफिनेटली आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। और आप अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा डबल ज़रूर करेगा ये शेयर्स। और अभी उसके नतीजे भी आए हैं इसके, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में। लोग कहेंगे कि इसका शेयर 3,180 रुपए के आसपास का है, बहुत महंगा शेयर है, इसको कैसे खरीदेंगे। तो मैं कहूंगा कि इनका, अगर ये शेयर महंगा है तो इनके अपर सर्किट भी दिन के 100-100 रुपए के अपर सर्किट भी लगते हैं। आज इसमें 70 रुपये का अपर सर्किट देखने को मिला है, मतलब एक ही दिन में 17 रुपये आज इसमें बढ़ गए हैं। तो देखिए 2.26% का ग्रोथ है आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में। और पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक हफ्ते में आप देखेंगे 2.89% का ग्रोथ है। देखिए 3,088 रुपये का स्टॉक था ये एक हफ्ते पहले, और सॉरी इसका लो बनाया है, और 3,182 रुपये का इसने हाई बनाया है। पिछले एक महीने की बात की जाए तो 1.46% का ग्रोथ है। देखिए 3,003,087 रुपीज का लो है और 3,234 रुपीज का हाई देखने को मिला है। अब चार्ट देखिए, बड़ी रैली आई, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक, फिर गिरावट, फिर बाउंस बैक। पिछले एक साल की अगर हम बात करें देखिए 34% से भी ज्यादा का इसने ग्रोथ दिया है। 2,262 रुपये का ये शेयर था और 3,441 रुपये का इसने हाई बनाया था। अब चार्ट यहाँ पे देख लीजिए, चार्ट यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में देखिए 122% का ग्रोथ है। देखिए अगर 3 साल पहले भी अगर किसी ने बोला होता कि ये 1,280 रुपये का शेयर्स है तो डेफिनेटली आपको उस टाइम महंगा जरूर लगता। लेकिन आप देखिए उसका जो ग्रोथ चार्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे शेयर्स के आप 1,000 क्वांटिटी लेंगे और इसकी अगर आप 10 क्वांटिटी भी लेके रखेंगे तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। और पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो 10 साल में आप देखेंगे कि ब्रिटानिया में 2,354% का ग्रोथ है। 123 रुपये का स्टॉक था ये और आज है 3,000 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अब बात किया, देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 76,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में वॉल्यूम ट्रेड भी आप देखेंगे तकरीबन 3 लाख के ऑलमोस्ट वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए, क्वार्टरली रिजल्ट की तो सितंबर तक है, लेकिन दिसंबर का भी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले बात करें सितंबर की, तो देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला है। नेट सेल में भी 12.96% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि 17.33% का ग्रोथ है, और प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखिए 0.52% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर है। अब बात करेंगे हम शेयर होल्डिंग की, तो देखिए एफआईएस के पास 16.29% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.96% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.47% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 20.04% की होल्डिंग है, और अदर डीआईएस के पास 51.24% की होल्डिंग है। अब 31 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया, 586 एफआईएस ने इसमें अपना पैसा लगाया है, और देखिए आपको पर शेयर 25 रुपये तो डिविडेंड पे कर रहा है। आप अब सोच लीजिए 1,250% का डिविडेंड है, पर शेयर आपको 25 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है। तो अगर ये शेयर की कीमत अगर 3,080 रुपये के आसपास भी है और आपको, और अगर आप इसमें 30,000 का भी इन्वेस्टमेंट करके आप अगर इसमें 10 शेयर खरीदते हैं तो पर शेयर आपको 25 मतलब 250 रुपये का तो आपको डिविडेंड यहाँ पे मिल रहा है। और देखिए शेयर्स तो है कि आपको इसकी प्राइस आने वाले दिनों में बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। अब बात करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में। चलिए हम अगर यहाँ पे देखें तो मनी कंट्रोल में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो 79% बाइंग के लिए कह रहे हैं, 14% सेल के लिए बोल रहे हैं, 5% लोग इसमें होल्ड के लिए बोल रहे हैं। अब इसका पी 68.57 है जबकि इंडस्ट्री पी है 69.35, बुक वैल्यू 142 की है और प्राइस टू बुक 22.37 की है, ईपीएस 46.41 का ईपीएस है, फेस वैल्यू 1 की है, डिलीवरीज 56% की यहाँ पर डिलीवरीज है। अब बात करेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स
रिपोर्ट की। फाइनेंशियल रिपोर्ट में देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा तो एकदम ना के बराबर है, 10 करोड़ का भी इसके ऊपर कर्जा नहीं है, और टोटल टोटल असेट्स देखिए 3,250 करोड़ के आसपास के टोटल असेट्स इनके पास पड़े हुए हैं। और आप यहाँ पे देखिए नेट सेल भी, आप देखिए बढ़िया नेट सेल है, बढ़िया नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हालांकि ये सितंबर तक है, लेकिन दिसंबर का आ चुका है और वो भी आप देखिए बढ़िया नेट प्रॉफिट है। दिसंबर के अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल के कंपेयर में तकरीबन 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। और नेट सेल में बात की जाए तो नेट सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 12.6% YOY, मतलब 2,890 करोड़ का इनका नेट सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग अकॉर्डिंग टू कोटक, ठीक है। और नेट सेल का तो चलो 2,000, और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए 316 करोड़ रुपए का है, मतलब वो भी 20% अप है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 283 करोड़ है, जबकि यहाँ पे 316 करोड़, ठीक है। तो 20% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, और नेट सेल्स के भी इतने ग्रोथ मिलने की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया है ये परफॉर्मेंस, और आने वाले दिनों में इसी की वजह से आपको इसके प्राइस में इंक्रीज आने को देखने को मिल सकता है। लेकिन ब्रिटानिया में अगर मैं किस अगर मुझे खरीदना हो तो मैं किस तरीके से इसमें प्ले करता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ब्रिटानिया का शेयर अच्छा लग रहा है, मुझे इसको खरीदना है, तो मैं एक साल और मुझे इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन 10 क्वांटिटी खरीदनी है, तो मैं 10 क्वांटिटी इसी प्राइस पे बिल्कुल भी खरीदने की गलती नहीं करूंगा। देखिए ब्रिटानिया का जो पिछले 1 महीने का चार्ट आप देखिए, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं ब्रिटानिया में खरीदारी तब करूंगा जब इसमें थोड़ी और गिरावट आएगी। अगर मान लीजिए कि 3,180 पर ट्रेड कर रहा है, कल को ये मुझे 3,120 पे मिले, तो मैं एक ही शेयर खरीदूंगा, भले मुझे 10 शेयर क्यों ना खरीदने हो, और फिर मैं उस एक शेयर को लेके बैठा रहूंगा, भले वो शेयर थोड़ी अपर सर्किट भी क्यों ना लगे, और फिर मैं वेट करूंगा लोअर सर्किट की। क्योंकि डेफिनेटली देखो यहाँ पे अगर 336 पे अपर सर्किट लगा के 3,234 पे चला गया, ठीक है, उसके बाद इसमें गिरावट आई और 3,080 पे चला गया, तो मैं ऐसी गिरावटों का वेट करूंगा। देखिए पैसा मेरे पास अगर होगा तो मैं उसको रखे रहूंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे इन्वेस्टमेंट, और आपको भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रेन आपकी नहीं भागी जा रही है। आप गिरावट का वेट कीजिए, अच्छा स्टॉक्स है तो गिरावट देखिए ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जब भी आए तो उसको कैच करने का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सेम ब्रिटेन में भी यही होगा, थोड़ी आपको इसका आने वाला चार्ट इसी तरीके से देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से उसमें अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगी। तो जब जब गिरावट आए तब तब आप छोटी छोटी क्वांटिटी आप इसमें खरीदिए, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में पैसा फंसाने की कोशिश मत कीजिए, छोटी क्वांटिटी खरीदिए और अच्छे से उसकी अपनी एवरेज को मेंटेन कीजिए। तो डेफिनेटली और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ चलिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं तो आपको बढ़िया प्रॉफिट इस शेयर से मिल सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।